वैसे ये जो वीकेंड है ना, ये कोई आम वीकेंड नहीं है, ये खास वीकेंड है, क्योंकि ये है वो वीकेंड जिससे पहले आ रहा है गणतंत्र दिवस। तो मुझे पता है कि देशवासी, हर एक देशवासी के मन में ना एक देशभक्ति की ज्वाला जो है वो धधक रही है। तो ऐसे में वो कौन से आपके रिकमेंडेशंस होंगे जो हमारे हर एक भारत के देशवासी के लिए आप यहाँ दूरदर्शन के माध्यम से देंगे? देखिए, सबसे पहले और सबसे खास जो मैं फिल्म रेकमेंड करना चाहूँगा वो है आनंद मठ, 1952 की, बंकिम चंद्र चटर्जी का 1882 का उपन्यास है, उसी पे बेस्ड है। और ये सन्यासी रेवोल्यूशन को फॉलो करती है कि किस तरह से सन्यासी रेवोल्यूशन हुआ था और प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में पहली बार एक तरह से जो एक ज्वाला जागी थी क्रांति की, और कैसे अंग्रेजों को एकदम से सामना करना पड़ा था एक नए तरह के रेबिलियन का, एक नई तरह की क्रांति का। इट्स अबाउट दैट। और हेमंत गुप्ता जी ने इसको डायरेक्ट किया है, हेमंत कुमार का इसमें म्यूजिक है, उनकी आवाज़ है, और आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब लता जी और हेमंत दा की आवाज़ में हम वंदे मातरम सुनते हैं। तो इट्स रियली माई ऑल टाइम फेवरेट फिल्म। चलिए कुछ झलकियां वंदे मातरम और आनंद मठ की हो जाए। तो इसी देशभक्ति की श्रृंखला में अगला रिकमेंडेशन क्या होगा? देखिए, आनंद मठ है, क्रांति की बात हो चुकी है, तो अगली रिकमेंडेशन भी मेरी है क्रांति, 1981 की फिल्म। मनोज कुमार जी जब भारत कुमार के नाम से जाने जा रहे थे तो उस दौरान उन्होंने बहुत कमाल कमाल की देशभक्ति की फिल्म दी है। मेरी फेवरेट उनमें से हमेशा से क्रांति रही है, और बिकॉज इट ब्रिंग्स सच ए वंडरफुल एनसेंबल टुगेदर। दलीप साहब हैं, मनोज कुमार हैं, शशि कपूर हैं, एंड हेमा मालिनी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं, प्रवीण बाबी हैं। इट्स रियली, और चना जोर गरम, यू नो, दैट इज समथिंग दैट हैज स्टेड विद मी फॉर एवर, एंड इट विल रियली स्टे विद यू नो एवरीबॉडी यू नो हु वॉचेस दिस फिल्म। ट्रू। चलिए इसके भी कुछ झलकियां देखते हैं। वैसे मुर्जा जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना आप वो रेकमेंड कीजिए जिसने मेरे लिए, मुझे लगता है मेरी चाइल्डहुड में जो नेशनलिस्ट एक जो फीलिंग्स होती है ना, उसको जिस सिनेमा ने डिफाइन किया, बॉर्डर, उसको आप रेकमेंड कीजिए प्लीज। बिल्कुल, वो है भी मेरी रेकमेंडेशन, और उसके बिना तो कोई भी लिस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती। और बैटल ऑफ लोंगेवाला, यू नो, 1971 की जो इंडो पाक वॉर थी, उसमें कितना इंपॉर्टेंट फेस था ये, इसको इतनी खूबसूरती के साथ कैप्चर किया है, कितनी कमाल की एनसेंबल है। हम क्रांति में एनसेंबल की बात कर रहे थे, ये एनसेंबल आई थिंक उसको भी एक नेक्स्ट लेवल आगे लेके जाते हैं। जेपी दत्ता, कितनी कमाल की कास्ट है, सनी देओल हैं, यू नो, और सुनील शेट्टी हैं, जैकी श्रॉफ हैं, और गाने जो इसके हैं, यू नो, आई थिंक सम ऑफ दो सॉन्ग्स हैव स्टेड विद मी। और आई थिंक एक हमारे जो ग्रोइंग अप हुई है, यू नो, वो आई थिंक दैट हैज शेप्ड इट अप सो ब्यूटीफुली बाय दिस फिल्म एंड बाय एवरीथिंग दैट दिस फिल्म शोज। एंड पेट्रियोटिक फर्वर की बात करें, नेशनलिज्म की बात करें, नेशनल इंटीग्रिटी की बात करें, तो आई थिंक दिस इज द फिल्म दैट कम्स टू माइंड फर्स्ट। और इंडिया की डिफेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि हर एक बल को इसमें शामिल किया गया है, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, आर्मी की बात करें, या फिर एयरफोर्स की बात करें। और आई थिंक वॉर जॉनरा को अगर हम बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इस फिल्म ने डिफाइन किया है, रीडिफाइन किया है इन सो मेनी वेज। जी बिल्कुल। चलिए इसके भी कुछ मेरे दिल के बहुत खास है ना, और बहुत करीब कुछ झलकियां देख लेते हैं। बॉर्डर है मेरे लिए वो मूवी जो मैं इस हफ्ते सबसे पहले देखने वाली हूँ। इसके अलावा और क्या आपके सजेशंस होंगे? जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, तो अगली फिल्म है मिशन मंगल। हमारे साइंटिस्ट और हमारे इंजीनियर्स ने किस तरह से, यू नो, जो हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन था उसको रियलाइज किया। इट्स अबाउट दैट, इट्स आल्सो अबाउट वुमेन पावर, जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दूरदर्शन के लिए। सो नारी शक्ति जो है उसमें, इस फिल्म में चार चांद लगते हैं कि कैसे मोस्टली वुमेन सेंट्रिक टीम थी और उसने कैसे, यू नो, अनइमेजिनेबल चैलेंजेस फेस करते हुए एक ऐसी कॉस्ट में कर दिखाया है जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया। और आज भी, यू नो, पीपल आर स्टंड कि हाउ टीम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स डिड इट। बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है सत्या। मुझे ऐसा लगता है, देखो, जब भी देश हित की और ये रक्षा इत्यादि जो भी चीज़ों पे बात करते हैं तो हमेशा फोर्स से दिमाग में आता है ना, साइंटिस्ट, और इस तरीके से हमारा दिमाग जाता ही नहीं है। सो आई थिंक थैंक यू फॉर दिस रिकमेंडेशन। चलिए कुछ इसकी झलकियां भी देख लेते हैं। बिल्कुल। वैसे मुझे लगता है मुर्तजा जी की मदद से मैंने तुम्हारा और बहुत से लोगों का वीकेंड सॉर्ट तो कर दिया है, बट स्टिल मतलब ठीक है। तो कुछ और रिकमेंडेशन फॉर द सेफर साइड, अगर किसी के पास टाइम बच गया तो। How's the josh? How's the josh? So I think वो recommendation तो होनी थी, और I think it's very important, एक ऐसी फिल्म जिसने मॉडर्न टाइम्स में हमारा जो नजरिया है वो बदल दिया, एंड ऑल्सो
इंडिया को लेके दुनिया का नजरिया बदल गया कि दिस इज द न्यू इंडिया। अब अगर कोई हम पे हमला करेगा, हमारी इंटेग्रिटी पे आंच उठाने की कोशिश करेगा, तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। इट्स अबाउट दैट कि कैसे हमारी यू नो काबिल फौज ने कैसे सर्जिकल स्ट्राइक को रियलाइज करा था और पूरी दुनिया को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज भेज दिया दैट इंडिया विल नॉट टेक this kind of aggression anymore and it will give it back 10 times over. तो मुझे जी उरी हमने आपने रेकमेंड किया, मैं तो ज़रूर देखूंगी, मुझे बहुत पसंद है ये मूवी। लेकिन इसके अलावा और कौन सी वो मूवी होगी जो आपको लगता है कि हर एक देशवासी को देखने ही चाहिए? सरदार उद्धम और नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है, मल्टीपल नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है और कहानी है सरदार उद्धम की, जिन्होंने 20 साल के लंबे इंतजार के बाद जलियांवाला बाग का बदला लिया था। माइकल ओ डोयर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, जब ये कैरी आउट हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर, यू नो मेजर डायर के कहने पर, तो उन्होंने एक पूरा एक स्कीम बनाई, प्लान बनाया, बड़े ही प्लान वे के साथ, बहुत ही डेलिब्रेट वे में वो इंडिया से गए यूके और वहाँ पे जाके धीरे 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 सिमरिंग वे में उन्होंने ये पूरा जो रिवेंज है वो प्लान किया और पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया कि हिंदुस्तान जो है वो भूलेगा नहीं उस पर किया हुआ जुल्म, चाहे 20 साल हो जाए, चाहे 50 साल हो जाए, चाहे 100 साल हो जाए, अगर कुछ गलत आप हिंदुस्तान के साथ करेंगे यू विल हैव टू रीपे एंड यू विल हैव टू रीपे इन द वर्स्ट पॉसिबल वे। आई थिंक दिस इज रियली अ गेम चेंजर इन सो मेनी वेज। लुक की बात करें, फील की बात करें, जितनी भी मैंने फिल्म्स देखी हैं पीरियड स्पेस में, दिस इज रियली द नेक्स्ट लेवल। मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा विकी कौशल की, मैं यहाँ तारीफ करना चाहूंगा सुजय सरकार की और साथ रोनी लहरी जो प्रोड्यूसर हैं, और उन्होंने कैसे इसका वीएफएक्स सीजीआई जो किया है, दिस इज अ लुक ऑफ अ फिल्म व्हिच इज मच मच मोर एक्सपेंसिव। एक्चुअली उन्होंने मच लेसर कॉस्ट में ये फिल्म रियलाइज करी है, इट्स अ ट्रूली इंटरनेशनल फिल्म। वैसे मैंने ये फिल्म देखी है और ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से वो जाके बदला लेते हैं ना, एक टाइम पे ऐसा लगने लगता है कि मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ। इस तरीके से उस मूवी को उन्होंने प्रेजेंट किया है, दिस इज सो नाइस, बहुत अच्छी मूवी है सत्या, तुम जरूर देखना। बिल्कुल दोबारा देखूंगी, एक बार देख चुकी हूं। भगत सिंह से जो इंस्पायर्ड थे, जो इनकी दोस्ती थी और उसको किस तरह से वो अंजाम देते हैं, आई थिंक एवरी इंडियन मस्ट वॉच दिस फिल्म दिस रिपब्लिक डे। थैंक यू मुर्तजा जी कि आप यहां आए और हमेशा की तरह आपने इस खास वीकेंड को और भी खास बना दिया है अपने बेहद खास रिकमेंडेशंस के साथ। आपकी टीम को शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस।